फ्रेंड्स, तो हम आ गए हैं योग नगरी ऋषिकेश। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा है, रेलवे स्टेशन है, देखिए पीछे पहाड़ों के साथ। आज हम आपको पूरा आगे तक दिखाएंगे कैसा है फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ा आने वाला है। आज हम आपको पूरी ऋषिकेश की सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे आपको ऋषिकेश की। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पीछे कितना बढ़िया लोकेशन है, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ऋषिकेश को देवनगरी, देवभूमि और योग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, आप दिल्ली से ऋषिकेश बस से आ सकते हैं, कश्मीरी गेट से आपको बस भी मिल जाएगी, 500 से 600 रुपए उसका किराया होगा। और आप गाड़ी से आ सकते हैं दिल्ली से, 200 से 250 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे वीकेंड में आते हैं तो आपको भीड़ बहुत देखने को मिलेगी, और फ्रेंड्स आपको रूम वगैरह भी बड़े मुश्किल से और मेहनत के बाद मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप अगर आप कोशिश करना कि आप वीकेंड में ना आएँ, आप बाद में। ऋषिकेश में लोग देश से ही नहीं जबकि विदेश से भी लोग घूमने आते हैं, तो निशानी के तौर पर यहाँ से कुछ ना कुछ खरीद कर लेके जाते हैं। ऋषिकेश में बहुत से बाज़ार हैं, उनमें से यह बाज़ार बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर आपको हैंडमेड आइटम्स, रेस्टोरेंट्स, मेडिसन, आयुर्वेदिक मेडिसन्स, जैसे कि आप देख सकते हो रेस्टोरेंट्स बहुत सारे हैं यहाँ पर। अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ से आप खा पी सकते हैं। देखिए, आज सारा पूजा पाठ का सामान, माला, शंख और काफ़ी सारी पूजा आइटम्स अवेलेबल हैं यहाँ पर। एंड ये आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। ये है यहाँ पे पूजा, सारे पूजा आइटम्स हैं सारे। देखिए, ये हैं यहाँ पे सारी आइडल्स दिए हुए हैं भगवान के, जो कि मेटल में हैं, पीतल में। फ्रेंड्स, बहुत फ्रेंड्स ये हैंडमेड बैग है, इसको आप कैरी करने के लिए अपना सामान यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा और काफ़ी रिजनेबल प्राइस के अंदर यहाँ पे हैंडमेड बैग दे रहे हैं, और जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे थे अपनी तरफ। देखिए, ये बैग मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैंने ख़रीदा भी था फ्रेंड्स, तो बहुत बढ़िया था। आप भी जाएँ जो ज़रूर बाय करना है फ्रेंड्स। ये मार्केट जस्ट नियर बाय परमार्थ निकेतन के जस्ट पास में है, यहाँ से गंगा घाट भी दिखाई देगा आपको। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर जब भी विजिट करें, शाम को करें, अगर आप शाम को आते हो तो काफ़ी रश मिलेगा फ्रेंड्स। ऋषिकेश के अंदर आपको गोवा बीच की भी वाइब्स मिलेंगी यहाँ पे। यहाँ का जो पूरा सैंड है आपको पूरा गोवा बीच वाला फील देगा फ्रेंड्स। ये टूरिस्ट लोगों को बहुत ही अट्रैक्ट करता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉरनर्स लोग भी यहाँ पे विज़िट करने आते हैं अपने ग्रुप के साथ, यहाँ पे बहुत इन्जॉय करते हैं, यहाँ पे नहाते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ की वाइब्स मैं आपको क्या ही बताऊँ। यहाँ का व्यू पॉइंट आप देख सकते हैं, सनसेट कितना प्यारा है फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ा आया हमें यहाँ पर जाके फ्रेंड्स। आप जब भी जाएँ तो यहाँ पर ज़रूर विज़िट करना फ्रेंड्स। मैं आपको यहाँ की सबसे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार और सबसे अच्छी लगने वाली चीज़ दिखाने वाला हूँ, जो कि है परमार्थ निकेतन की गंगा घाट की आरती। फ्रेंड्स, मैं आपको पॉजिटिविटी यहाँ की क्या ही बताऊँ फ्रेंड्स, ऐसी वाइब्स आ रही थी ना, सच बता रहा हूँ, गूज बम्स आ गए थे इतना ज़्यादा, ऐसा लग रहा था साक्षात भगवान शिव ही यहाँ पर आ गए। बहुत ही पॉजिटिविटी और बहुत ही प्यारा कीर्तन यहाँ पर ये लोग कर रहे थे। ये पंडित जी वैदिक मंत्रों का उच्चारण का जो सुनने का मज़ा था वो अलग ही था फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे ज़रूर विजिट करना, यहाँ की आरती बहुत ज़्यादा स्पेशल है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अब गंगा आरती लेकर हम आ गए हैं, और देखिए ऋषिकेश का पूरा व्यू पॉइंट, यही सामने ही परमार था जहाँ पे अभी हमने गंगा आरती की थी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम आरती करके आ गए हैं परमार्थ से। फ्रेंड्स, ये अंकल बहुत ही प्यारे फ्लूट बजा रहे थे, इसलिए मैंने इनको भी कैप्चर किया। सो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं नील वाटरफॉल, जो कि जहाँ पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कैसा है नील वाटरफॉल। जैसे कि आप ये सामने देख रहे हो, ये पूरा ऋषिकेश का व्यू पॉइंट, तो पूरा गंगा दिखाई दे रही है सामने पूरा। फ्रेंड्स, हम नील वाटर फॉल नहाया, बहुत मज़ा आ रहा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो पीछे। तो यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन स्विमिंग के लिए यहाँ पे सुविधा नहीं है, लेकिन इसका भी एक अलग मज़ा है, झरने का भी बहुत मज़ा आ रहा है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये है नील वाटरफॉल, यहाँ पे लोग देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं।
यहाँ पे भीड़ एकदम से बढ़ गई। तो फ्रेंड्स हम फिर बाहर आ गए, हमने काफ़ी इन्जॉय पहले कर चुके थे, देखिए कितना रश है पूरा। फ्रेंड्स यहाँ पे खाने पीने की बहुत सारी सुविधाएं हैं, मैगी वगैरह सब चीज़ें हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे चेंजिंग रूम भी हैं, आप आराम से अपने फैमिली के साथ रूम क्लोथ्स वगैरह चेंज करके यहाँ पे इन्जॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे भी ज़रूर आना, सबसे ज़्यादा इन्जॉयबल मोमेंट यहीं पर थे फ्रेंड्स, बहुत मज़ा आया हमें फ्रेंड्स यहाँ पर नहा के। तो फ्रेंड्स हम काफ़ी थक गए थे, अब हम वापस जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं आपको आगे, फ्रेंड्स बहुत मज़ा आया। वी आर नाउ वी आर वेटिंग फॉर फूड, हम फूड ऑर्डर कर चुके हैं फ्रेंड्स, और हम बहुत बेसब्री से, भूख लग रही है बहुत तेज फ्रेंड्स, बेसब्री से इंतज़ार है बस प्लेट में खाना आते ही के साथ ही बस टूट पड़। फ्रेंड्स तो खाना आ चुका है हमारा, और हमने खाना शुरू कर दिया, बट हम वीडियो बनाने बोल रहे थे। तो यहाँ आए हैं चाप की सब्ज़ी, और यह है मटर पनीर सैलेड, बहुत टेस्टी है फ्रेंड खाना। फ्रेंड्स देखिए अब हम लक्ष्मण झूला घूमने आए हैं रात को, देखिए पूरी मार्केट है, देखिए सामने होटल है होली रिवर। फ्रेंड्स खाने पीने का पूरा कोई भी यहाँ पे कमी नहीं है, देखिए कितना मज़ा आ रहा है फ्रेंड्स रात को यहाँ पे। फ्रेंड्स देखिए नाइट आउट डिस्को रेस्टोरेंट गंगा व्यू के साथ है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया है, बहुत मज़ा आ रहा है फ्रेंड्स, नाइट्स की वाइब्स से लगे यहाँ की कमाल की। देखिए आप पेंटिंग बना रखी है सारी, एक से ही बढ़िया। कितने दिन से बनाते हो भैया पेंटिंग? 13-14 ईयर्स हो गए इनको ये पेंटिंग करवाते बनाते। उन्होंने अपने आर्ट से सबका मन मोह रखा है, लोग से जाते गली से निकलते लोग आते ज़रूर हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं सत्य साई घाट। फ्रेंड्स देखिए सामने माता पार्वती और भगवान शिव विराजमान है, ये सामने बिल्डिंग है, इसमें पूरी रेड लाइटिंग की गई है, बहुत ही प्यारी हवा चल रही थी फ्रेंड्स यहाँ पे, बहुत ही मज़ा आया हमें रात को यहाँ पे। फ्रेंड्स अब चलते हैं अपना रूम। फ्रेंड्स हम बहुत ज़्यादा थक गए थे पूरा, हमने वहाँ पे बहुत इन्जॉय किया नील झरने पे, थकने के बाद में फिर हमने सोचा रूम वापस चलते हैं फ्रेंड्स हम। सो फ्रेंड्स आप रूम देख सकते हैं कितना अच्छा है, काफ़ी स्पेसफुल रूम है, हम काफ़ी सारे बंदे थे तो हम इसी रूम में रुके थे और एक रूम और लिया था हमने। तो फ्रेंड्स बहुत मज़ा आया यहाँ पे रुक के, मैंने इसकी व्लॉग भी डाली है, सो फ्रेंड्स आप देख लेना। आप जब भी यहाँ पे आते हैं तो आने से पहले आप कॉल कर लीजिएगा, आप ऑनलाइन बुकिंग कर दीजिएगा होटल की। हम अब अपने बेड पे आ चुके हैं, सोने की तैयारी है फ्रेंड्स, खा पी जाएगी, बहुत मज़ा आया फ्रेंड्स, थकावट तो बस पूछो मत कितनी होगी। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं घर वापस। सो फ्रेंड्स अब हम व्लॉग ही करते हैं एंडिंग, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और सभी हर हर महादेव जरूर लिखें। ओके फ्रेंड्स बाय बाय।